हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। आज मैं एक और आपके लिए डिटेल्ड वॉकराउंड वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि दोस्तों मारुति की स्विफ्ट का ZXi वेरिएंट है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, क्या क्या इसके अंदर फीचर आते हैं वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पर देखने को मिलता है। ये ZXi वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे आता है, तो इसके अंदर आपको सारे फीचर बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, आपको जो डिज़ाइन है वो पहले जैसा ही रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक जो ग्रिल का है वहाँ पे आपको चेंज मिलेगा कि बीच में आपको ग्रिल जो है वो हनीकॉम डिज़ाइन में दी गई है, और साथ ही यहाँ पे आपको क्रोम का एक जो है थिक क्रोम का गार्निश देखने को भी मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे आपको कन्वेंशनल जो है वो हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो कि पहले भी आया करते थे, और यहाँ पे फ्रंट टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो कुछ इस तरीके का इसका लुक यहाँ पे आपको मिलता है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फ्रंट फॉग लैंप्स दिए जाते हैं, जो कि हेलोजन टाइप के आपको मिलते हैं। साथ ही बॉडी कलर का आपको यहाँ पर जो है वो बम्पर दिया गया है। कुछ इस तरीके का इसका आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड प्रोफाइल में बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इस वेरिएंट के अंदर आपको साइड प्रोफाइल से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सिंगल टोन के जो अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, और अगर इसके टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 185/65R15, यानी कि यहाँ पे आपको 15 इंच के जो है अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, जो कि अपोलो के टायर्स के साथ आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर जो है वो बॉडी लगे आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर भी प्लेस मिल जाता है, और ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल टाइप के दिए गए हैं। अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर तीनों ही ब्लैकआउट टाइप के दिए जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो डोर हैंडल जो है वो आपको यहाँ पर बॉडी लगे ही मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन भी मिल जाता है। कैसे यूज़ होता है वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। और थर्ड जो अपना बी पिलर है, उसके ऊपर भी आपको रियर जो है वो अपना डोर हैंडल्स दिया जाता है, जो कि ब्लैक कलर में आपको मिलता है। तो कुछ तरीके का आपको यहाँ पर साइड लुक देखने को मिलने वाला है। और अगर आप बात करें ब्रेक की, तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है, और यहाँ पे देखें तो अपना फ्यूल फिलिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। रियर में आते हैं तो रियर में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका एंटीना। तो यहाँ पर आपको पोल टाइप का एंटीना प्लेस किया गया है। उसके नीचे आते हैं तो इंटीग्रेटेड टाइप का आपको रियर स्पॉइलर मिलता है, जिसके ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर दिया गया है, और उसके साथ में यहाँ पर आपको एक वॉशर मिल जाता है। रियर विंड स्क्रीन का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रियर विंड स्क्रीन भी इस तरीके की नज़र आती है, जिसके ऊपर आपको डिफोकस देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको रियर वाइपर की प्लेसमेंट दी गई। साथ ही दोस्तों टेल लैंप्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर में LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स दिए जाते हैं, जिसका लुक आप एक नज़र यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का आता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, उधर बीच में आपको स्विफ्ट का लोगो भी, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको बॉडी लगे यहाँ पे बम्पर्स मिल जाते हैं, और इन बम्पर्स के ऊपर भी आपको जो है वो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के जो है वो पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार इसकी की दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आपको दो जो है वो रिमोट कीज दी जाती हैं, कुछ इस तरीके की नज़र आती है दोनों ही रिमोट कीज, जिसके ऊपर आपको लॉक और अनलॉक का यहाँ पे बटन मिलता है। तो अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको इस बार प्रेस करना है, तो ये अनलॉक हो जाती है। दोस्तों डोर अनलॉक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप डायरेक्टली इस तरीके से जो है गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका अपने पास ये है कि आप डायरेक्टली जो है इस बटन को प्रेस करके भी इस डोर को ओपन किया जा सकता है। तो कुछ तरीके का यहाँ पे आपको इंटरफेस नज़र आता है फ्रंट लुक से। तो अगर आप देखें तो कम्प्लीटली आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का ही इंटीरियर थीम देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको कम्प्लीट ब्लैक थीम दी गई है। और तो यहाँ पे आप ड्राइवर साइड डोर देख सकते हैं, किस तरीके का आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर मिलता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको फ्रंट ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल जो है वो आपको क्रोम फिनिश में मिलता है, साथ ही यहाँ पे आपको डोर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको अपने मिरर्स के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से आपको लॉक का बटन मिलता है, चारों पावर विंडोज कंट्रोल मिल जाते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो डोर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा फैब्रिक का इंसर्ट भी देखने को मिल जाएगा, फैब्रिक इंसर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको एक सिल्वर का फिनिश देखने को मिल जाता है डोर आर्मरेस्ट के ऊपर ही, और यहाँ पे अगर प्लेसमेंट की गई है स्पीकर्स की, इस कार के अंदर 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे बोतल होल्डर और थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस भी आपको मिल जाता है। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक कलर का ही इंटीरियर थीम देखने को मिल जाती है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एसी का वेंट आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है। नीचे आए तो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, इसके सराउंड में आपको क्रोम का इंसर्ट भी दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो आपको हेडलाइट लेवलिंग का स्विच मिलता है यहाँ पे आपको, क्योंकि ये AMT यानी कि ऑटोमेटिक कार है, AMT ट्रांसमिशन के साथ है, तो यहाँ पे आपको ESP के कंट्रोल्स को मिलता है, जिसको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का भी ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है बोनट ओपन करने के लिए मिलता है, 2 पैडल मिल जाते हैं अपना, एक तो एक्सीलेटर का, दूसरा ब्रेक का, और तीसरा वहाँ पे अगर आप देखें तो एक डेड पैडल भी आपको मिल गया है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए जो है यहाँ पे नॉब भी मिल जाती है। तो ड्राइवर सीट की बात करें जाए तो ड्राइवर सीट आपको कुछ इस तरीके की अपहोल्स्ट्री में दी गई है, एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं किस तरीके की ड्राइवर सीट है, और जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो है एडजस्टेबल टाइप के
हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के यहाँ पे हेडरेस्ट है। और ये सीट जो है आपको वो 6 पे एडजस्टेबल मिलती है, यानी कि आप इसको रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं, हाइट को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं और सीट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको फंक्शन दिए गए। दोस्तों अगर आप अब स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे डी कट स्टेयरिंग दिया गया है, जिसमें अगर आप देखें तो नीचे की तरफ आपको सिल्वर का फिनिश मिल जाता है और यहाँ पे आपको क्रोम के इंसर्ट्स भी दिए गए हैं और स्टेयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पर लेदर रैप्ड का फिनिश देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग के कंट्रोल्स आपको सारे यहीं पे मिल जाते हैं। कुछ तरीके से अगर आप देखें तो कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, चैनल चेंज का ऑप्शन दिया गया है, वॉल्यूम प्लस माइनस मोड चेंज और म्यूट अनम्यूट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जैसे कि वहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इधर आपको टैकोमीटर दिया गया है। एक बार इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको इंटरफेस जो है वो अंदर से मिलता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का दिया गया है, जैसे कि अगर आप ये देखें तो इस पर आपको सारे इंडिकेशन वार्निंग वगैरह दी जाती है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वो क्लॉक मिल जाती है, न्यूट्रल में इस वक्त गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन दिया गया है, अपना डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह के सारे यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं। ट्रिप मीटर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको जो है ब्लैक डैशबोर्ड तो मिलता ही है, जिसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको सिल्वर का एक इंसर्ट भी देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक साइड एसी वेंट मिलता है और इतना ग्लोब बॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके का ये ग्लोब बॉक्स है, अगर आप इसको एक बार देखें तो ये ग्लोब बॉक्स के यहाँ पे पोजिशनिंग की गई है। और बीच में आते हैं तो बीच में कंसोल में यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है, जो कि स्मार्ट प्ले स्टूडियो है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट करता है, साथ ही ऑक्स यूएसबी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, डायल टाइप का क्लाइमेट कंट्रोल है, कुछ इस तरीके के लुक में आपको यहाँ पे मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको यूएसबी और ऑक्स का सपोर्ट अपना पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट का पोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ फोन होल्डर के लिए स्पेस मिलता है, ट्विन कप होल्डर दिया गया है और ये AMD ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इसका लीवर जो है वो मिलता है, जहाँ पे आपको रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और मैनुअल में आपको प्लस माइनस के ऑप्शन दिए गए हैं। कंसोल को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक लीवर मिलता है, जिस पे आपको क्रोम की टिप मिल जाएगी और पीछे की तरफ आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक सनवाइजर मिलता है विद टिकट होल्डर और साथ ही यहाँ पे आपको एक डोमलेन मिलता है सेंटर के अंदर। और उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है, जिसको आप डे नाइट टाइप एडजस्ट कर सकते हैं। फोर ड्राइवर साइड देखें तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है, सनवाइजर के अंदर दिया गया है। और इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, कुछ तरीके का मिलता है। और स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेयरिंग आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिल जाता है, जिसको आप जो है अपने कन्वीनियंस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बाय टिल्ट। दोस्तों अब आते हैं रियर में और देखते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो रियर डोर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर डोर हैंडल दिया गया है और रियर में भी आपको कुछ सेम उसी तरीके की आपको फिनिश मिलती है, जैसे कि इनसाइड डोर हैंडल भी आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में मिल जाता है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट है वो कुछ इस तरीके का दिया है, डोर आर्मरेस्ट, जिसके ऊपर आपको फैब्रिक वगैरह के इंसर्ट नहीं मिलते हैं, जबकि फ्रंट में आपको दिए गए हैं। पावर विंडो कंट्रोल मिलता है, अपना बोतल होल्डर मिलता है और स्पीकर का आपको सेटअप यहाँ पर दिया गया है, कुछ इस तरीके का नज़र आता है। और अब बात करते हैं इसके सीट्स की, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री ही मिल जाती है, कुछ इस तरीके की। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट यहाँ पर भी दिए गए हैं, बीच में आपको कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। और रियर से अगर आप देखें तो यहाँ का प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई एसी का वेंट वगैरह पीछे नहीं दिया गया है, साथ ही ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही साइडों में जो है वो मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का लुक था। आप चलते हैं बूट में, देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से आपको फीचर दिए जाते हैं। तो बूट एक्सेस करने के लिए आपके पास यहीं से ऑप्शन मिलता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप यहाँ पे बटन मिलता है, उसके द्वारा आप इसको ओपन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे बटन है, आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे 268 लीटर का एक अच्छा बूट स्पेस भी दिया गया है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। रियर पार्शियल ट्रे है, जो कि आप रिमूवेबल टाइप की है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और ये जो सीट है पीछे की, यानी कि इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो रियर सीट को जो है वो 60-40 जो है वो स्प्लिट डाउन भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइजेस की, तो इस कार का यानी कि स्विफ्ट ZXi AMT का एक्सशोरूम कॉस्ट आपको दिल्ली के अंदर 7,25,000 रुपये का मिलता है और ये कार आपको ऑन रोड कॉस्ट करीब 8,41,000 रुपये तक चली जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।